कैसा लग रहा है ये होटल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये होटल मैं आज खरीद रहा हूँ। क्या? हाँ। आपको पता नहीं आज का दिन किसी भी लेन देन के लिए अशुभ है, आज मत खरीदिए कल खरीदिए। अरे छोड़ो, मैं शुभ अशुभ को नहीं मानता। ये होटल वो मुझे आधी कीमत में दे रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा। किसी और ने खरीद लिया तो मैं सारी जिंदगी सीना पीटता रह जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सब आ गए? वो तो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। तुम एक काम करो, इनके साथ जाके होटल का मुआयना करो, मैं भी आता हूँ। कहाँ है वो? अपने ऑफिस में। अरे ये सिंगानिया सेठ अभी तक आया क्यों नहीं? ओहो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सिंगानिया सब आते ही होंगे, आप बैठिए ना। अरे बैठने की बात छोड़ो, नहीं मेरी कुंडली के हिसाब से आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मैं जितना जल्दी हो सके ये होटल का मुसीबत सिंगानिया के गले में डाल देना चाहता हूँ, फिर सिंगानिया जाने और वो ढाबे वाला छोकरा जाने। अरे उस ढाबे वाले छोकरे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर प्रेशर कुकर की माफे कितना ऊपर चढ़ जाता है कि चारों तरफ से सीटियां बजने लगती है। गुड मॉर्निंग। अरे आओ आओ सिंगानिया सेठ, आओ आओ। वाह 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 वाह, शद्दाद ने जमीन में जन्नत बनाई थी, किसी ने क्या खूबसूरत होटल बनाया है। अरे बाबा किसी ने नहीं, हमने बनाया ये होटल, पीके दीवानी ने। दीवानी? हाँ। दीवानी तो औरत का नाम होता है, मर्द तो दीवाना होता है। तुम औरत हो या मर्द हो? वो क्या है, तुम जो बोलता है वो हम नहीं है, जो दिख रहा है वो है। दीवानी तो हमारी खाली सड़ने में है नी। आओ बाबा, टाइम खोटी खाए को करता है नी। मैं समझा तुम औरत हो, यहाँ पैंट पहन कर बैठे हो। अरे वकील साहब जल्दी से एग्रीमेंट के पेपर्स निकालो और सिंगानिया साहब को दो, मैंने तो साइन करके रखा है, तुम भी देख लो और साइन कर दो ना। ये पहले ड्राफ्ट दे रहा हूँ यार, तुम भी यार। नहीं वो पहले होना चाहिए ना, क्या काम की चीजें मेरे लिए। ये देखो साइन हो गया। मुबारक हो सिंगानिया साहब, मुबारक हो। आज से ये होटल तुम्हारा, इधर का स्टाफ तुम्हारा, मैनेजर तुम्हारा और सारा टेंशन भी तुम्हारा। टेंशन क्या? मुसीबत। मुसीबत क्या की? टेंशन बाबा छोड़ो नहीं, वो मेरा मैनेजर तुमको समझाएगा नहीं। अरे मगर मैं तो तुम्हारे मैनेजर से मिला ही नहीं हूँ यार। मिलेगा नहीं, सुनो यार। अरे अरे नहीं सुना। अरे मगर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे वो दुनिया का आठवां अजूबा है, उसको देखते ही तुम पहचान जाएगा। अरे मेरी ये कोर्ट देखो, क्या करूंगा ये रखो यार, जल्दी करो बाबा। अरे ए दीवानी मेरी बात सुन ले, दीवानी आठवां अजूबा, ये तो काफी फिरा हुआ यार, ये अंदर कहां जा रहा है? लगता है ये आठ, अरे ओ आठवें अजूबे, अरे रुक, घूम, ये क्या परमानेंट है क्या? जी। तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं है ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ। सर जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम भागे क्यों चल रहे ऐसे? नहीं मैं भागेपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या भागेपुर में वाले टेढ़ पैदा होते हैं क्या? नहीं नहीं, भागेपुर में भागे पुल पे, भागे पेड़ पे, भागे डाल पर बैठ के गिर गया था ना, तब से ये हालत। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा ये भागापन सीधा कर सकता हूँ। जो आदमी उल्टा पैदा होता है ना, अगर उसकी लात तुम यहाँ खा लो तो भागापन टेढ़ापन सब सीधा हो जाता है। अरे सेठ जी उल्टा तो मैं भी पैदा हुआ था, एक बार अपनी कब्र पे लात मारने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया, तब से और ये हड्डियां जाम हो गई। इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ था, मेरी लात खा के देखो तुम कैसे सीधे होते हो। अच्छा अच्छा, लात मारोगे? अरे उधर कहाँ ले जाने, इधर फिराओ। जरा आहिस्ता मारना, आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं। अपना समझ के मारना, अपना नहीं। सेठ जी मैं ठीक हो गया। मानता है कि नहीं? थैंक यू जी, मानता सेठ जी। एक मिनट है, मेरी तरफ से। ये क्या है जी? मैं रोज मालिश वाले को 5-5 रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। मैं मालिश वाला हूँ क्या बे? नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से गुड लक है। ओ, गरीब की तरफ से? जी जी। बोला नहीं किसी को? हाँ नहीं। हाँ फिर तो चल, मैंने तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि नहीं? आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी काय की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है सर जी, इसीलिए दीवानी आपको आधे दाम में ये होटल बेचकर भाग गया है। क्या मतलब? इधर आइए बताता हूँ, इधर आइए, ये देखिए। किधर? आपके होटल के कंपाउंड में ये ढाबा, लोग रहते यहाँ हैं, खाते वहाँ है, नहाते यहाँ है, धोते वहाँ। अरे इस ढाबे को मैं चुटकी में उखाड़ के फेंक दूंगा। जब पुराने मालिक नहीं उखाड़ सके आप उखाड़ लेंगे। क्या बोला बे? मेरा मतलब है, जाओ उस ढाबे के मालिक को यहाँ पेश करो। कुल्फी मलाई फिरनी है जो पेश करूँ? उल्टी खोपड़ी का है, गाँव गया है छुट्टियों में,
अगर मैं मिला भी दूं ना तो जरा सोच समझ के बात कीजिए उससे। नहीं तो क्या कर लेगा वो? अब कर लेगा तो हम उसकी खाट खड़ी कर दें, लेकिन अपने भी कुछ उसूल है। पहले हम इंसान को समझाते हैं और अगर उसके बाद भी ना माने तो उसकी ऐसी बैंड बजाते हैं कि जिंदगी भर फटे हुए ढोल की तरह पिटता रहे। अरे राजा भैया, आप उसको जानते नहीं, वो बड़ी टेढ़ी खीर है। नाम है अजगर सिंह और कानून को जेब में लिए घूमता है वो। फिर आ गया हराम के खाने। मर गए, ये मुसीबत आज फिर आ गई। क्या हाल है सुखी राम? बहुत दुखी हूँ सरकार। क्यों, कोई गुंडा तो परेशान नहीं कर रहा है ना? आपके होते हुए कोई और गुंडा कैसे परेशान कर सकता है सरकार? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बिस्किट मत खाइए सरकार। क्यों, क्यों? ये कुत्तों के खाने के बिस्किट हैं। चलेगा चलेगा, इनको आदत है। तू भी ले। ओकना नहीं। हाँ। नहीं, अरे ये क्या है? नई कंपनी का लगता है। नई कंपनी का है, 70 रुपए का एक है। वेरी गुड, 4 बांध दो। ए जी सुनिए, ये साबुन भी नई कंपनी का लगता है। वाह वाह, 2 दर्जन ये भी बांध दे। 10 रुपए का एक है मालिक। मैंने सुना तू तेल में पानी मिलाता है, चावल में कंकड़, धनिया में घोड़े की लीद और मिर्च में ईंट पीस के मिलाता है। ये क्या बात कर रहा है साहब, ये सब झूठ है भाभी जी। अरे क्या झूठ है, चल 1 किलो मिर्ची बांध, 1/2 किलो धनिया, 5 किलो तेल और 10 किलो चावल बांध। मैं घर ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा और चेक करूंगा। माल है जैसे। आजी जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बैंक जाना है, बैंक बंद हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ तो सुखी राम, कुल मिलाकर कितने हुए भाई? लगता है पुराना हिसाब चुकाने वाला है सरकार। पिछला और आज का मिलाकर 6,900 रुपया। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे पास रुपए कितने है? निकालो। 2,000 रुपए है सरकार। दो ये, 3 ये, 5 हो गए। बैंक में जमा कराओ, अपने 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। तो निजाम में लिख लेना ये पेड़े भी, और भूल जाना साला कमीना रिश्वत खोर। साला पेड़े का भी हिसाब खाते में लिखा है। कानून को टक्कर मारता है लगड़ा। कानून और अंधी जनता की टक्कर तो अक्सर हुआ ही करती है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा, उनका माल खाएगा? ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तू कौन होता है? मुझसे उलझेगा तो जेल की चक्की में पीस के रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास भी एक ऐसा तिलस्मी बांबू है, ऐसा बांबू लगाऊंगा कि जिंदगी पर बंदर का नाच ना जाएगा। इंस्पेक्टर याद रख, 24 घंटे के अंदर अगर गरीबों का खाया माल नहीं लौटाया ना तो वो अश्र करूंगा कि तू याद करेगा। तू है कौन? तू मिनिस्टर है? तू चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री? तू है कौन जो तू मेरे मुंह मत लग, वरना ये क्या? ये जरा टोपी ऊपर करना, जरा टोपी ऊपर करो। क्या क्या कुछ नहीं हो सकता यार। अरे जाओ तुम जाओ। ये क्या देख रहा था टोपी में? हवलदार चल मेरे साथ। अरे क्या देखता था यार ये? अरे क्या देख रहा था, इंक्वायरी करते हैं टोपी के नीचे क्या है। देखा राजा भैया, ये अजगर कैसे हम लोगों को तंग करता है। घबराओ मत सुखीराम, देखना आज के बाद इसका खाना पीना उठना बैठना तो क्या, सोना भी हराम कर दूंगा। कौन है बदतमीज? हेलो, मैं निसार खान बोल रहा हूँ। निसार खान बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट उठाती हूँ। ए जी सुनो, ए जी उठो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। उठो रिश्वत नहीं जो जेब में डाल रहे हो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। एसएसपी साहब? यस सर, यस सर, इंस्पेक्टर अजगर सिंह स्पीकिंग सर, एनी इमरजेंसी सर? कल सवेरे पहली फ्लाइट से हेल्थ मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं। डोंट वरी सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो जाएगा सर। बंदोबस्त उनका नहीं, हमारे इलाके के कुत्तों का करना है। कुत्तों का? तो क्या फ्लाइट में मंत्री जी के कुत्ते भी आ रहे हैं सर? बेवकूफ, हमारे इलाके के कुत्तों में बीमारी फैली हुई है, मंत्री जी को एलर्जी है, इसलिए उनके यहाँ पहुँचने से पहले कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये कुत्ते पकड़ने का काम तो म्युनिसिपैलिटी का है। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ, मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम है उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान है, दोबारा पकड़ लेंगे, मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, गुड नाइट। बैड नाइट।
इतने सारे कुत्ते एक रात में। गुड मॉर्निंग सर। आजकल सिंह ये अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते हैं? वो सारे कैदी कहाँ हैं जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं, कुत्ते इम्पॉसिबल, यू टोल्ड मी। ये मैंने कहा? यस, मैंने कहा था। हाँ, तुम बिल्कुल पागल हो। नहीं सर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सर रात को आपने टेलीफोन पे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, शहर की सड़कों पे एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए, सो आई ओबेड यू। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें फोन कैसे किया जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि टेलीफोन कंपनी ने पड़ोसी के फोन के बजाय मेरा ही टेलीफोन काट दिया। वो सर याद कीजिए, आपने पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया होगा, यू नो। शट अप, तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। यानी आपने फोन नहीं किया? नहीं। और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर ही दूंगा। सर अंडरस्टैंड? सर इन कुत्तों का क्या करूं? अबे छोड़ दे मुझ पर, एक एक करके छोड़ू, एक साथ छोड़ दूं? शट अप, तू जानता है तेरे को सस्पेंड कर सकता हूं। मैंने फोन नहीं किया। बजा बजा। हेलो, क्यों अजगर भाई, कैसी कटी रात कुत्तों के साथ? तू तो ये तेरी हरकत थी। अरे मेरी गलती हुई उन कुत्तों के साथ, तुझे क्यों नहीं अंदर बंद किया मैंने? अरे ये तो मेरी शराफत थी, अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को खाया माल लौटाया नहीं ना तो ट्रांसफर करा दूंगा, ट्रांसफर। बेटा मेरा नाम अजगर सिंह है, मुझसे पंगा ले गया तो ऐसे केस में फंसाऊंगा कि दोबारा इस इलाके के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा तू। तो ठीक है अजगर भाई, ये आने वाले 24 घंटे ही बताएंगे कि कौन किसको निकलता है। अबे रख दे फोन।